guys, my name is Vinayak Joshi and I am software engineer in Capgemini Mumbai. और मुझे बचपन से ही हियरिंग का प्रॉब्लम था. एक्चुअली मेरे दोनों ईयर ड्रम कान पूरे फटे हुए थे विदाउट ईयर ड्रम. दोनों ईयर ड्रम पहले बिल्कुल नहीं थे क्योंकि वो कुछ बचपन में सर्दी के इन्फेक्शन की वजह से पूरे चले गए थे. और ये मुझे रियलाइज़ हुआ व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड. दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम कंसल्ट किया इन पुणे 2006 में. पुणे में डॉक्टर टेपन है वहाँ पे. सो वहाँ फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस हुआ ये सब प्रॉब्लम्स का. तब मैंने 2006 में ऑपरेशन करवाया राइट ईयर का. डॉक्टर ने वहाँ पे पर्दा बिठाया और मिडल ईयर का कुछ रिस्ट्रक्चर किया. पर जो ऑडियोग्राम का रिजल्ट था वो नहीं बन पाया, मतलब हियरिंग सुधरी नहीं वो 2006 के ऑपरेशन की वजह से. पर आफ्टर आई वॉज जस्ट वेटिंग वेट कि कुछ इम्प्रूव हो जाएगा आफ्टर सर्जरी आफ्टर 1 or 2 ईयर. पर कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ. बट हमारे जो ऑडियोलॉजिस्ट है अहमदनगर में उन्होंने मुझे डॉक्टर विकास अग्रवाल का रेफरेंस दिया 2012 में. तब मैं अहमदनगर में रहता था. वहाँ से मैं 6 घंटे का ट्रैवल करके डॉक्टर के पास आता था. और 2006 में हमने 2012 में सबसे पहले ईयर सर्जरी करवाया लेफ्ट ईयर का. 2017 में हमने पाया कि वो एड्रम ठीक से बैठा है. हमने नेक्स्ट स्टेज का जो सर्जरी है जैसे कि मिडल ईयर के बोन्स रिस्ट्रक्चर करने का स्टेपेडेक्टोमी. अभी रिसेंटली मेरा 2 हफ्ते पहले स्टेपेडेक्टोमी हुआ. और आफ्टर स्टेपेडेक्टोमी आई कैन रियली सी द इम्प्रूवमेंट माई इन ऑडियोग्राम. बिकॉज पहले जो ऑडियोग्राम का ग्राफ था इट इज़ बिटवीन 60 to 70 और आज मैं देख रहा हूँ इट इज़ 25 to 35. So it's really improved. Thanks, Dr. Vikas Agrawal. Are you able to hear normally now without a hearing? Yes. Aid? This is normal communication. I can do very easily without hearing aid. So it's really good. Sir, बहुत लगन से और personally सब patient को care करते हैं. It is really appreciated thing. And I really see the improvement in my hearing. So I really thanks for Dr. Vikas Agrawal for his best efforts. That's it.